नहीं कुछ दिखा तो है। आओ दिखा देना पहले सूत्र में क्या दिख रहा है, पहले देखो सेम दिख रहा है। और क्या दिखा दे, जो पेड़ दिखा दे, जाल दिखा था मैं तो, वो तो खैची मारा की जाल मछली मारा जाल। और पास में मैम पहले वाला एक चूहा भी है। अच्छा तो चूहा क्या कर रहा है, कुछ दिखाई देता बच्चा? ओ कूदत रहा है, केकरे ऊपर कूदत है? एक नाक को पीठ पर कूदत है, शोक है, शोक है ना। और दूसरे चित्र में कहा है और जाग गला है, और कुछ दिखा रहा है ना। अच्छा बाद में दूसरे में क्या हुआ, दूसरे सीन में जाल फंस गया, फंस गया, फोटो बढ़िया देखा भैया, फंस गया, फंस गया, बहुत छतरी लग रही है सर, पूरा काटा था। अरे सर छतरी ना हो, खैची भी ना हो, जहाँ जो शिकारी आवत है ना जंगल में जाल लगा मछली पकड़ने वाला, नहीं जानवर पकड़ने के लिए जाल लगा बढ़िया। आप भी देखे, क्या नाम है आपका? श्रद्धा नाम है। श्रद्धा बढ़िया, देखो ध्यान से, शेर है ना, शेरवा हो, फंसा है काहे में, फंसा है जाल में, कौन सा जाल पता है? हाँ, जानवर पकड़ने वाला, जानवर पकड़ने वाला शिकारी क्या करते जंगल में आवत है और खुद ही गाड़ के जाल लगा देते, जवान जानवर आई फंस जाई। अरे बताई दे अभी जहाँ तो देखो चौथा में क्या दिखाते है, तू भैया तू बताओ खुद दिखाते क्यों रोबोट ये मैं कुछ कहानी सुनना मत बेटा। हाँ लगा था एक शेर रहा। हाँ कहा है फिर? ऐसा है कि एक चूहा रहा और बड़े मस्ती में जंगल में जाग रहा, तो एक शेर वहाँ सोत रहा, इत्तेफाक से जान में उनके ऊपर चढ़ गए, और जब चढ़ गए तो उनकी नींद खुल गए और पकड़ ली चंगुल कस के, तो शेर वहाँ उसको खा लिया ना ही गठरी दबाए नहीं, और तो पकड़ के खाए नहीं, इन्हें खाओ ना हम तुम्हारे काम इतना बड़ा पिस्ती बना तू हमारे काम है। तो भाई बात तो सुनो आवत है ना, छोट मोट चूहा कहाँ गया सिर के काम, लेकिन चलो छोड़ दिए के जाओ चट्टी के छोड़ दिए। अगले दिन कहा रे अगले जंगल में जब गवा तो दहाड़ की आवाज सुनी, शेर बहुत फंस गया रहा जाल में, दहाड़े लगा तो चूहा सोचिस की तो शेर की आवाज है, तो दौड़ा दौड़ा भागा भागा गवा, लेकिन किसी तो हमारा दुश्मन फंसा है, तो सची इसको पहचान लिया। अरे हाँ कल तो पकड़ रहा ना, तो पहचान गया कि फंसा है, तो कहती है माँ बंद गिरा हमें छोड़ गिरा तो हम युग जाल काट दी, फटाफट तुरंत जाल काटी, अरे बहुत जाल काटी और घर से आजाद होगा। ओकरे बाद लेके शेर पीढ़ी पर बैठ गए, मुसवा बैठ गया पीर पे भैया, तो देखो जाते अरे ना डरा दोनों दोस्त है ना, अरे पार्टी है मजे से दोस्ती हो गए, ये मन तो काम मालूम पड़ा, ये मन छोट भला के दोनों एक दूसरे मदद करे चाहिए, किसी का छोटा भी समझना चाहिए ना, देखो अगर काम आएगा कि नहीं आएगा, अगर ये का खाएगा हो ये तब क्या हुआ बताओ, अब तू लोग बता दू की क्या हुआ, पता रहता हाँ पकड़ा जाता ना, शेरों मारा जाता, अभी दोनों चांद बच गए कि नहीं बच गए, ये सब कहानी कहानी का आउटकम है कि किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, बस यही इस कहानी का मतलब सार है। इसमें क्या है कि आपने लैंग्वेज इसमें कौन सी यूज की है, आपने इसमें भाषा कौन सी यूज की है? अवधि भाषा है। और हमने ये भी कोशिश किया है कि बच्चे एक दूसरे के प्रति सहायता करने की इसमें पैदा हो, वो तो मॉरल है आपका, और इसमें छोटे बड़े का भेदभाव भी मिट जाएगा, और इन्हीं सब बताया गया है कि किस तरह से, तो ये आपका स्टोरी बोर्ड डिकोडिंग पे भी वर्क करेगा, जैसे हम रिकॉर्डिंग पे करेगा ना, जैसे एक शेर रहा जैसे हमने अवधि में है, चाहे हम पहले अक्षर पहचान भी करवा सकते थे, बच्चों बताओ ये कौन सा अक्षर है, या हम कोई अक्षर ले लिया हमने तो इसमें वो अक्षर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम रिकॉर्डिंग भी करा सकते हैं, या हमने ये इस तरीके से बोला एक, अगर हम दो या तीन जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, एक शेर रहा तो इसको हम कैसे बोले कि ये क्या है शेरवा हो रहे, हाँ शेरवा कैसे शुरू होते, कौन है अक्षर से शुरू होते शेरवा, लिखा था ना कपिया माँ, कैसे लिखा था बताओ, ऐसे गोल बना के और ऐसे पुछिया निकाल के, उस शेरवा में दूसरा सर लागत है ना, एक वो वाला
तो घुमाए के मात्रा लाग गई तो ई का हो ये शा हां ई सा का होई हुआ सरसे संजम सर्वा सर्वो होता संजम भी होता है ना और एमा ई का दिखाओ है मूस मुसवा तो मुसवा कहां जानत हो ताबी भाषा में हां चूहा और हां कहां जा